हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 10 पर विचार करेंगे। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो जीव तत्व है तो इसको सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। जो जीव है कि शरीर को छोड़ता है तो सामान्य लोग नहीं समझ पाते कि जीव कैसे शरीर को छोड़ता है। स्थितम, और जब जीव किसी शरीर में आता है तो अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे शरीर में वो स्थित होता है। भुञ्जानं वा गुणान्वितं, अथवा गुणों के जो है बंधन में ये जो है भोग करता है, गुणों के अनुसार गुणों को भोगता है जीव शरीर में, तो अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते हैं। विमूढानानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ लोग हैं इस बात को नहीं समझ पाते या नहीं देख पाते। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, जो ज्ञान के नेत्र हैं जिनके पास, वही इस जीव को देखते हैं। तो जीव को देखने की जो विधि है ये हमारे इन चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं है, जीवात्मा को देखना है तो ज्ञान के नेत्रों से देखना है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो ये समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वो अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा ये कि वो विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वो इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वैसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और ये अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुँचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले 3 श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया था कि जीवात्मा श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर जिस समय भोग करना चाहता है उस समय वो एक शरीर को छोड़ता है, फिर वो अन्य शरीर में प्रवेश करता है तथा फिर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य करता है। वो लगातार इन 3 क्रियाओं से बंधा रहता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या बद्ध जीव की इन 3 प्रकार की क्रियाओं को देखा जा सकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि बद्ध जीव की इन 3 क्रियाओं को केवल ज्ञान के नेत्रों से ही देखा जा सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम शिक्षा के अनुसार शब्द हैं उत्क्रामन्तं गुणान्वितं
विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अर्थात बद्ध जीव को शरीर त्यागते हुए मूर्ख लोग नहीं देखते हैं, परंतु ज्ञान के नेत्रों वाले देखते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बद्ध जीव के लिए गुणान्वितम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गुणान्वितम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गुण तथा अन्वितम। गुण का अर्थ है प्रकृति के तीन गुण तथा अन्वितम का अर्थ है बंधा हुआ। इस प्रकार गुणान्वितम शब्द का अर्थ हुआ ऐसा जीव जो प्रकृति के तीन गुणों से बंधा हुआ है। ये बात समझने की है कि इस भौतिक संसार में जितने जीव हैं वे सभी प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा को ठुकराया है। जिस प्रकार अपने स्वामी की सेवा को ठुकराने वाले सेवक को बंधन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा को ठुकराने वाले जितने भी जीव हैं उन्हें भौतिक प्रकृति तीन गुणों से बांधती है। गीता 18:40 में श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा कहीं भी कोई ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से बंधा ना हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञान चक्षुषा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञान चक्षुषा शब्द का अर्थ है ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो ये समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वो विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वो भाग्यशाली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मूर्ख लोग इस बात को नहीं देख पाते हैं कि जीव शरीर त्यागता है। मूर्ख लोग क्या समझते हैं? मूर्ख लोग ये समझते हैं कि जीव की मृत्यु होती है। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री राम ने बाली का वध कर दिया तथा जिस समय बाली की पत्नी तारा अपने पति की मृत्यु के लिए शोक कर रही थी, उस समय श्री राम ने तारा से ये शब्द कहे, हे देवी, तुम्हारा पति शोक करने योग्य नहीं है, तुम उसके लिए व्यर्थ शोक क्यों कर रही हो? तुम विचार कर ठीक ठीक बताओ कि तुम्हारा पति ये देह है या इसमें रहने वाला जीव? ये देह तो जड़ है तथा त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियों से बना हुआ है और अभी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और यदि तुम जीव को अपना पति मानती हो तो अभी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ना उत्पन्न होता है ना मरता है। ये जीव कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि जीव ने अपना शरीर छोड़ा है। वे सोचते हैं कि ये व्यक्ति समाप्त हो गया है। जिनके पास ज्ञान के नेत्र होते हैं वे लोग ये जानते हैं कि इस जीव ने अपना शरीर छोड़ा है तथा अब ये इस जीवन में किए हुए अपने कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करेगा। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय सुयज्ञ नामक राजा की युद्ध में मृत्यु हो गई, उस समय उसकी रानियाँ ये मानकर शोक करने लगीं कि उनका पति सदा के लिए समाप्त हो गया है। वे बोली, हे नाथ, तुम्हारे मरने पर हम भी मर चुकी हैं। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग ये नहीं देखते हैं कि जीव ने शरीर छोड़ा है। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि जीव ने अपने कर्मों के अनुसार शरीर छोड़ा है तथा अपने कर्मों के अनुसार उसे अगली गति प्राप्त होगी। वे तो समझते हैं कि ये व्यक्ति सदा के लिए समाप्त हो गया है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द स्थितम गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति
पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, अर्थात बद्ध जीव को शरीर में आते हुए मूर्ख लोग नहीं देखते हैं परंतु ज्ञान के नेत्रों वाले देखते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग नहीं देखते हैं कि किसी जीव ने अपने पहले वाले शरीर को छोड़कर उनके घर में नया शरीर धारण किया है। वे सोचते हैं कि इस बालक ने उनके घर में जन्म प्राप्त किया है, जिसके लिए ना तो कोई पिछले कर्म है तथा ना ही कोई पिछला जीवन था। वे सोचते हैं कि ये बालक पूर्णतः नवीन है तथा उनके द्वारा निश्चित किए हुए रास्ते पर चलेगा। परंतु आगे चलकर क्या होता है, वो बालक अपने पिछले जन्म के कर्मों तथा संस्कारों के कारण कुछ अलग ही रास्ते पर चलता है, जिसके विषय में भी अज्ञानी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई बालक अपने पिछले जन्म के अच्छे संस्कारों के कारण भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है तथा उन अज्ञानियों को अत्यंत निराशा होती है, क्योंकि वे उस बालक से आशा करते थे कि ये बालक आगे चलकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा अथवा बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। परंतु जहाँ तक ज्ञान के नेत्रों वाले लोगों की बात है, वे इस प्रकार सोचते हैं, श्री कृष्ण ने एक ऐसी आत्मा को हमारे घर में भेजा है जिसके पिछले संस्कार हमें अज्ञात हैं, परंतु हमें प्रयास करना है कि ये बालक भक्त बने ताकि इसे पुनः इस भौतिक जगत में माता पिता ना प्राप्त हों। परंतु यदि हमारे प्रयासों के बावजूद भी ये भक्त नहीं बनता है तो इसमें हमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा तो पूरा प्रयास रहा है कि ये भक्त बने। इति ज्ञान के नेत्रों वाले लोगों के पास ऐसी दृष्टि नहीं होती है कि वे ये जान सकें कि ये बालक पिछले जीवन में क्या था तथा इस जीवन में क्या बनने वाला है। परंतु ज्ञान के नेत्रों से वे ये जानते हैं कि इस बालक ने पहली बार नहीं जन्म लिया है, इस बालक ने इस भौतिक संसार में अनेक जन्म प्राप्त किए हैं तथा अभी इसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिसमें से श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग नहीं देख पाते हैं कि जिस जीव ने अभी शरीर प्राप्त किया है उसने पहले भी अनेक शरीर प्राप्त किए थे, परंतु ज्ञान के नेत्र वाले लोग ये समझ पाते हैं कि ये जीव पिछले शरीर को त्याग कर इस नए शरीर में आया है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, भुंजानम गुणान्वितम विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, अर्थात बद्ध जीव को शरीर में भोग करते हुए मूर्ख लोग नहीं देखते हैं परंतु ज्ञान के नेत्रों वाले देखते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बद्ध जीव के लिए भुंजानम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये बद्ध जीव की तीसरी क्रिया है। भुंजानम शब्द का अर्थ है भोगते हुए, इसका अर्थ है कि जीव इस भौतिक जगत में सुख भोगने का प्रयास करता है परंतु बदले में उसे कष्ट ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बद्ध जीव की पहली क्रिया बताई थी उत्क्रामंतम, अर्थात बद्ध जीव ने पिछला शरीर छोड़ा। ये अत्यंत कष्ट की स्थिति है कि उसने पिछले शरीर को छोड़ा। फिर श्री कृष्ण ने बद्ध जीव की दूसरी क्रिया बताई थी स्थितम, अर्थात बद्ध जीव ने नया शरीर प्राप्त किया। ये भी अत्यंत कष्ट की स्थिति है कि उसने माता के गर्भ में वास किया। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बद्ध जीव की तीसरी क्रिया बतला रहे हैं, भुंजानम, अर्थात बद्ध जीव सुखों को भोगने के नाम पर दुखों को भोगता है। इस श्लोक के तात्पर्य में शीला प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोगता है। फलस्वरूप वो इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते हैं, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और ये अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव
कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी तथा मूर्ख लोग नहीं देखते हैं कि वे इस भौतिक संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं तथा सुखों के नाम पर दुखों को ही प्राप्त कर रहे हैं। वे बार बार चबाए हुए को ही चबाते रहते हैं। भौतिक प्रकृति उन्हें इस प्रकार भुलाती है कि वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वे इस स्थान में असीमित कष्ट भोग रहे हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मूढ़ लोक ना बिचारे की भावे की है, उत्क्रांति स्थिति भोग कारवा को यार ज्ञान चक्षु आछे गुरु रे कृपाए, भाग्यवान से जन देखी बारे पाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भाग्यवान से जन देखी बारे पाए, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग भाग्यवान हैं वे ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं कि मेरी शरण लेने के सिवा दुखों से छूटने का कोई अन्य उपाय नहीं है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान जीव की तीन प्रकार की क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं, और ये भगवान बता रहे हैं कि जीव की इन तीन क्रियाओं को विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो विशेष मूर्ख हैं वे नहीं देख पाते हैं। तो विशेष मूर्खता, विशेष मूर्खता क्या है? प्रत्येक जीव इस भौतिक संसार में विशेष मूर्खता में पड़ा हुआ है। विशेष मूर्खता है उत्क्रामंतम, तो वो स्वयं को नहीं जान पाता कि उसने पहले अपना शरीर छोड़ा था और असीमित कष्ट भोगा था, स्थितम, और अब दूसरे शरीर में स्थित हुआ है, तो गर्भ के गर्भ में रहने का असीमित कष्ट प्राप्त किया है, फिर जन्म लेने का असीमित कष्ट प्राप्त किया है, भुंजानम वा गुणान्वितम, फिर वो ये नहीं देख पाता है कि पिछली इच्छाओं के अनुसार और कर्मों के अनुसार उसे जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं तो उनमें भी उसको कितना बंधन मिल रहा है, और सुखों के नाम पर उसे कितना दुख मिल रहा है। तो वो जीव जो है नहीं देखता है इस बात को। प्रसन्न ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान के नेत्र वाले हैं वो देखते हैं। तो जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं वो हमेशा अपने को शरीर में बंधा हुआ समझ करके मुक्ति का जो है प्रयास करते हैं। तो कोई जीव जो आत्मज्ञानी जीव होता है, जिसके पास ज्ञान के नेत्र होते हैं, तो ज्ञान के नेत्रों से ही वो अपने को देख पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अन्यथा यहाँ पर भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि जीव का जो आकार है उसको कोई देख सकता है। जीव का जो आकार है और आकृति है तो उसको भगवान ने देखने की बात नहीं कही है, बल्कि भगवान ने ये ज्ञान नेत्रों के द्वारा देखने की बात कही है। इसका मतलब कि जानना है हमें, जीव के इन तीन प्रकार की क्रियाओं को जानना है, है ना। तो पहली क्रिया क्या है? उत्क्रामंतम, कि शरीर को उसने छोड़ा, पहले शरीर को छोड़ा और फिर स्थितम, फिर उसने अब दूसरा शरीर प्राप्त किया, फिर भुंजानम, फिर भोग कर रहा है पिछले कर्मों के अनुसार उसको कई प्रकार के सुख और दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति ज्ञान चक्षु प्राप्त कर लेता है, ज्ञान के नेत्र प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो समझ पाता है कि इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव बहुत ज़्यादा मूर्ख बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मूर्ख बना हुआ है। जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, कोई नहीं जानते हैं कि वे कर्मों के अनुसार कैसे
बंधन में पड़े हुए हैं और कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मरण का कष्ट भोग रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।